दोस्तों, अगर आप भी सीपी क्लाइंट नोटिफिकेशन से परेशान हैं और आपके डिस्प्ले पे बार बार नो प्रोफेशन मैसेज इस तरह का आ रहा है और आप इससे बहुत परेशान हैं, अगर आपसे ये नोटिफिकेशन बंद नहीं होता है तो आप मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अब इससे हमें बंद करना है सीपी क्लाइंट को, तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। आपको जाना है सेटिंग में, जाने के बाद अब आपको ओपन करना है ऐप्स को। ऐप्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा आपको सी एल ऐप्स। सी एल ऐप्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा थ्री डॉट। तो आपको थ्री डॉट को आपको एक बार फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको फिर से क्लिक करना है शो सिस्टम पे। आपको क्लिक करना है शो सिस्टम को। क्लिक करने के बाद अब आपको इसमें टोटली इसमें ऐप्स दिखाई देंगे। तो आपको इसमें खोजना है सीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर को। आपको इसमें आपको खोजना है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है जो कि सब एंड्रॉयड का है, सिस्टम का है। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीपी क्लाइंट। तो अब आपको सीपी क्लाइंट पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इसे फोर्स स्टॉप आपको कर देना है। ओके कर देना है। उसके बाद अब आपको जाना है फिर से स्ट्रॉन्ग में। आपको जाना है स्ट्रॉन्ग को। क्लिक करने के बाद अब आपको क्लियर स्ट्रॉन्ग आपको कर देना है। ओके कर देना है। उसके बाद अब आपको होना है बैक। दोस्तों अब आपके डिस्प्ले पे सीपी क्लाइंट मैसेज कभी नहीं आएगा दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।